100 घंटे से जारी है इजरायली सेना का ऑपरेशन अल शिफा। अब तक नहीं मिला हमास का कमांड सेंटर। अस्पताल में मरीज तोड़ रहे दम। अस्पताल में कमांड सेंटर होने के इजरायल के दावे में कितना दम? अल शिफा अस्पताल के हमास का कमांड सेंटर होने के इजरायल की सेना ने कुछ सबूत दिए, जैसे एमआरआई मशीनों के पीछे से मिले हथियार, कुछ वर्ने, कुछ गोले और एक सुरंग वाली तस्वीर भी है। लेकिन कमांड सेंटर जैसी कोई बात इन तस्वीरों में नहीं दिखती। सवाल है, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद क्या फिर फेल हो गई? हमास का कमांड सेंटर अस्पताल में कहां है? क्यों इजरायल की सेना अब तक पता लगाने में नाकाम है? क्या हुआ? क्या अस्पताल के नीचे सुरंग में या अस्पताल के किसी कोने से कुछ भी नहीं मिला, जिसके आधार पर कहा जाए कि इजरायल का यह दावा झूठा है कि हमास ह्यूमन शील्ड की तरह अस्पताल का इस्तेमाल कर रहा है और ये अस्पताल ही हमास का कमांड सेंटर है? अस्पताल में हमास कमांड सेंटर कहां से ऑपरेट करता है? इजरायल की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया था। बिल्कुल कंफर्म मानकर अल शिफा अस्पताल में 1000 से ज्यादा इजरायल डिफेंस फोर्स यानी IDF के कमांडो घुस गए। ये अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है। अस्पताल कैंपस में टैंक तक उतार दिया। अस्पताल को चारों ओर से इजरायल की फौज ने घेर लिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि इजरायल ने सर्किल ऑफ डेथ खड़ा कर दिया। अस्पताल में ना पानी ना बिजली, कुछ भी नहीं। ICU में मरीजों ने दम तोड़ दिया। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अस्पताल के ICU में मौजूद सभी मरीजों को खो चुके हैं। अस्पताल में सुविधाओं और खासकर फ्यूल की कमी की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। हमास की कोई भी अपील इजरायल पर असर क्यों नहीं कर रही, इसका वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले की यादें कैसे हर एक इजरायली को अंतिम सांस तक लड़ने का हौसला दे रही है, वो वीडियो आपको भी जरूर देखना चाहिए। IDF के प्रवक्ता ने कहा है, हमास जहां भी मिलेगा हम वहां जाकर उसे मिटाएंगे, फिर चाहे वो गाजा पट्टी का दक्षिणी हिस्सा ही क्यों ना हो। इजरायल ने गाजा में बमबारी के लिए गाजा के किसी एक हिस्से को नहीं चुना, बल्कि पूरी गाजा पट्टी को राख कर रहा है। दिक्कत यह है कि इस भयंकर हमले के बावजूद इजरायल वो हासिल नहीं कर सका है जिसके लिए वो 1 महीने से ज्यादा से युद्ध लड़ रहा है। उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ 150 हमास के लड़ाकों के मारे जाने की लिस्ट है। बात बाकी ना इजरायल के हाथ अब तक कोई हमास का बड़ा लीडर लगा है, ना हमास का हेडक्वार्टर। अल शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर मानकर घुसे इजरायल की सेना को अब तक वहां से कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ है। ना तो कोई बड़ा सुरंग मिला है और ना ही कोई ऐसा इंटेलिजेंस सेटअप मिला है जिससे कहा जा सके कि हमास का वो कमांड सेंटर था। हालांकि इजरायल की सेना ने वहां से मिले हथियारों की तस्वीरें जारी की है, लेकिन उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। और दूसरी तरफ अस्पताल में मरीजों के दम तोड़ने का सिलसिला जारी है। सवाल है, अल शिफा को इजरायल ने बलि क्यों चढ़ा दिया? इस सवाल का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। पहले इजरायल की सेना से कुछ सवाल आपके जेहन में भी उठ रहे होंगे, जिसमें सबसे ताजा है अल शिफा अस्पताल के हमास का कमांड सेंटर होने का इजरायल का दावा क्या झूठा निकला? हमास के एक भी टॉप लीडर को पकड़ने में इजरायल नाकाम क्यों रहा है? 7 अक्टूबर से जारी युद्ध में इजरायल अब तक गाजा पर कब्जे का ऐलान क्यों नहीं कर सका है? क्या इजरायल हमास की ताकत का अंदाजा लगाने में फेल हो गया है? कहा जा रहा है कि इजरायल को अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का बड़ा हेडक्वार्टर होने के सबूत मिलने की अभी भी उम्मीद है। इस उम्मीद का कारण बताया जा रहा है, अल शिफा अस्पताल को इजरायलियों ने 1970 के दशक में गाजा पर अपने पूर्ण नियंत्रण के दौरान बनवाया था और यह बहुत बड़ी जगह है जहां चप्पे चप्पे की तलाशी में काफी समय लगेगा।
इजरायली आर्किटेक्टों ने अल शिफा को डिजाइन किया था। उन्होंने इसमें काफी बेसमेंट शामिल किए थे। इजरायल को इस अस्पताल के कोने कोने की जानकारी है। पश्चिमी मीडिया में खबरें छप रही हैं कि ये भी संभव है कि इजरायल डिफेंस फोर्स को अस्पताल में कुछ ऐसा मिला हो जिसे सैन्य या सुरक्षा के लिहाज से बताने से वो परहेज कर रहे हो। लेकिन सवाल तो बनता है कि जब जब्बे चप्पे से वाकिफ हैं, तो इजरायल को ऑपरेशन कंप्लीट करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के हमले का पता लगा पाने में भी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल हुई। नतीजा, पूरा इजरायल रोया। दक्षिणी इजरायल के इस गांव में उस दिन 20 लोगों का कत्ल हुआ। हाई सिक्योरिटी कंक्रीट के बॉर्डर को तोड़कर हमास के लड़ाके गांव में घुस आए। उनके पास कंधे पर से फायर करने वाला रॉकेट था। हमास ने लोगों को जिंदा जला दिया। 7 अक्टूबर के उस क्रूर हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये भी सामने है कि घर उजड़ने के बाद उसे फिर से बसाने के लिए निकला इजरायल हमास के साथ कैसा सलूक कर रहा है और आगे कैसा सलूक करेगा। Obviously, there was no escape from this house, and the Jacobian villa got burned here to the ground. I mean, the house and everything around here, and it's a symbol to people who just, you know, woke up one Saturday morning and vicious terrorists come in and decided to burn everything, to burn their life down. And our victory will be to rebuild it. Our victory to make sure that it won't stay burned. इजरायल के इस नागरिक को और अल शिफा अस्पताल में बिस्तर पर पड़े किसी मरीज को युद्ध ने क्या दिया। इजरायल सैकड़ों बार कह चुका है कि किसी शरणार्थी शिविर या स्कूल या मस्जिद कुछ भी नहीं। हमास के आतंकियों के जहां होने का अंदेशा होगा, इजरायल हमला करेगा। इजरायल क्यों लड़ रहा है, ये बहुत क्लियर है, लेकिन मासूमों की जान इसमें तो बचाई जा सकती है। युद्ध के बीच भी उम्मीदें जिंदा रखनी जरूरी होती है। यूएन के मानवीय मामलों के चीफ मार्टिन ग्रिफिथ को सुनिए। हमारी मांग बहुत ही सरल है, जंग को रोक दें ताकि आम नागरिक सुरक्षित जगहों पर जा सके। आप चाहें तो इसे जो समझें, लेकिन ये सिर्फ मानवीय कारणों से कहा जा रहा है। हम चांद नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ कुछ बुनियादी बदलावों की मांग कर रहे हैं जिससे नागरिकों की जान बचाई जा सके। इसराइल के पास युद्ध को रोकने का कोई कारण नहीं है। अल-शिफा अस्पताल के अंदर घुसने या रिफ्यूजी कैंप पर हमले की निंदा इसराइल को किसी भी जगह हमला करने से नहीं रोक सकते। इस बीच जो भी राह में आएगा तबाह हो जाएगा। इसराइल ने ये कसम खाई है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा बचा है तब तक वो युद्ध लड़ेगा। ऐसे में अगले कुछ दिनों में युद्ध के और भयंकर होने की आशंका है। इसराइल के हमले में लगभग पूरा गाजा खत्म हो चुका है, बस हमास के टॉप लीडरों की गर्दन बची है। इसराइल के रगों में बदले का खून प्रवाहित होता है। दुनिया के नक्शे पर यह एक ऐसा देश है जहां हर एक नागरिक मिलिट्री की ट्रेनिंग ले चुका है, उसे हथियार चलाना आता है, रॉकेट फायर करना आता है। हमास के पास इसके मुकाबले क्या है। कहा जाता है कि हमास ने 30,000 से 40,000 के बीच लड़ाके जुटाए हैं, लेकिन इन लड़ाकों के पास क्या वो हथियार हैं जो इसराइल की मॉडर्न सेना का सामना कर सके। कोई तुलना नहीं है इसराइल और हमास के बीच। ऐसे में सवाल तो बनता है कि कहां है हमास को ऑपरेट करने वाले उसके लीडर जो इसराइली सेना के नाक में दम किए हुए हैं। हमास के इन टॉप कमांडरों या लीडरों को इजरायल की सेना क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। हमास को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कहां गायब हो गया इस्माइल हानिया। कहां लापता है याजा सिन्वार। इस्माइल हानिया के एक ठिकाने पर इजरायली एयरफोर्स ने फाइटर जेट से हमला किया। इजरायल की टॉप की सारी एजेंसियां हमास के संचालनकर्ताओं की लिस्ट बनाकर उन्हें मौत की नींद सुलाने के लिए घूम रही हैं, लेकिन अब तक नाकाम। इस बीच गाजा की गलियों में तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि मरने वालों की तादाद 11,000 से ज्यादा जा चुकी है। गाजा में अब अस्पताल भी नहीं बचे कि जान बचा सके। इजरायल ने फैसला किया है कि गाजा में हर दिन 2 फ्यूल टैंकर भेजे जाएंगे। इसका इस्तेमाल यूएन के कामों, पानी और सीवेज सिस्टम को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। लेकिन जहां तक अस्पताल या स्कूल या मस्जिद पर हमले नहीं होंगे,
तो इसराइल नहीं रोकने वाला है। आईटीएफ ने शक होने पर उत्तरी गाजा के एक डे केयर सेंटर पर छापा मारा। सैन उस वक्त हैरान रह गए जब इस सेंटर के अलग अलग हिस्सों से अनगिनत हथियार बरामद हुए। इनमें हजारों गोलियां, हैंड ग्रेनेड और ड्रग्स तक बरामद हुए। इजरायली फौज ने इसके फोटोग्राफ्स रिलीज किए। आईडीएफ ने कहा कि इस सेंटर का नाम अल कार्मी स्कूल ऑफ गाजा है। इसराइल के खिलाफ जंग की तैयारी हमास ने कोई एक दिन में नहीं किया है। सुरंगों का जाल बिछाकर जानबूझकर मस्जिदों, अस्पतालों और स्कूलों से जोड़ा गया ताकि इसराइल के हमले से बचा जा सके, लेकिन आईडीएफ इसकी परवाह नहीं करता। उसे जहां भी शक होता है वो हमला करता है। कह सकते हैं कि पूरे 41 किलोमीटर लंबे गाजा पट्टी और 6 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाले गाजा में इसराइल की सेना मौत बनकर हर तरफ घूम रही है।